नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मुंबई पुलिस को बुधवार को 26/11 जैसा आतंकी हमला करने की धमकी दी गई। कंट्रोल रूम में फोन करके एक व्यक्ति ने कहा कि अगर सीमा हैदर वापस नहीं आई तो भारत बर्बाद हो जाएगा, 26/11 जैसा हमला दोबारा होगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। इससे पहले 11 जुलाई को बलूचिस्तान से आतंकी संगठन ने एक वीडियो जारी करके भारत को धमकी दी थी। एक हथियारबंद आतंकी सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की बात कह रहा था। आतंकी धमकी देता है कि अगर सीमा और उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान को नहीं सौंपा गया तो इसका अंजाम पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं और दूसरे गैर मुस्लिमों को भुगतना होगा। इधर सीमा का दावा है कि पबजी गेम के जरिए उसका संपर्क नोएडा में रहने वाले सचिन से हुआ, दोनों में प्यार हुआ। इसके बाद सीमा 4 बच्चों को लेकर नेपाल पहुंची, वहां से बस के जरिए भारत आई और नोएडा में सचिन से शादी के बाद वहां 50 दिन से रह रही है। राज खुला तो सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया, फिलहाल दोनों जमानत पर हैं।